हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एडियाबेटिक एडी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज संडे है तो मैं और अलंकार अभी अभी उठे हैं। टाइम क्या हो रहा है? अरे टाइम हो रहा है अभी अराउंड 12 बज रहे हैं। 12 बजने वाले हैं तो हम लोग अभी अभी उठे हैं, 11:30 अराउंड उठे थे। अभी हमारा ये प्लान है कि हम ऑमलेट बना के खाएंगे, अलंकार बनाएगा। और यस, हमारा रूम काफी गंदा है जो कि अभी हम दिखाएंगे, एंड ये वीडियो उसी के बारे में होगा कि कैसे ये रूम ट्रांसफॉर्मेशन वीडियो होगा। हम इसे बिफोर आफ्टर के शॉट्स दिखाएंगे इसमें। तो ये रूम नॉर्मली सही रहता था, क्लीन रहता था, बट अलंकार अपने इसका रूम उधर है, अपने रूम से इधर जब माइग्रेट करता है तो इस रूम में क्योंकि स्पेस कम है तो ये गंदा हो जाता है। एंड कल क्योंकि सैटरडे था तो हम लोग वापस आए थे, एंड फिर हमने कुछ काम ही नहीं किया। ट्रायल बाय फायर देख रहे थे हम नेटफ्लिक्स पे, बहुत ही अच्छी सीरीज है, अच्छी है वो, एंड यही सब कर रहे थे। फिर लेट सोए थे अराउंड 2 बजे, तो फिर अभी हम उठे हैं और कुछ हुआ नहीं है। मैं आपको थोड़ा बहुत रूम दिखाती हूँ कि रूम कितना गंदा है, जिसमें अलंकार हेल्प करेगा साफ करने में, इसी ने गंदा किया है थोड़ा बहुत। तो ये मेरी टेबल पड़ी हुई है, पड़ी हुई बोल रही हूँ, मेरी टेबल रखी हुई है, और ये टिफिन्स हैं जो मैं मंगवाती हूँ। ये आज ही सुबह मेडिसिन्स मैंने ऑर्डर की थी, 1MG से आई थी। सब कुछ यही मिक्स चीजें पड़ी हुई है, सॉक्स भी टेबल पे ही पड़े हैं, सब कुछ ऐसे पड़ा हुआ है। ये एक मेरी बेड टेबल है, एंड ये अलंकार है, ठीक है। ये जो अलंकार बड़ी वाली है, अच्छी टाइगर प्रिंट की ये रजाई ओढ़ा हुआ है। टाइगर प्रिंट नहीं बोलेंगे ना इसे, इसको मल्टीपल प्रिंट बोलेंगे, लेपर्ड प्रिंट, टाइगर प्रिंट, जैगुआर प्रिंट। तो ये रजाई जो ये ओढ़ता है इडियट, ये मेरी मम्मी ने भिजवाई थी मेरे लिए, अब जो कि मेरी हो चुकी, जो इसने छीन ली मेरे से, फेवरेट हो चुकी, बहुत वार्म है, इसे वाइल्ड कैट्स का शौक है, तो ये एप्ट रजाई है इसके लिए। और ये देखो मैं कैसे अपनी सर्दियां मैनेज करती हूँ, ये देखो 5 लेयर, ये ऐसे मैं गुजार रही हूँ अपनी सर्दियां। ये मेरी रजाई है, मैं घर पे भी यही ओढ़ती थी, पिंक कलर है इसका। ओ कल मैंने रजाई उल्टी ओढ़ ली यार, देख यहाँ से ओढ़ते हैं ना, मैंने उल्टी ओढ़ ली। तो ये मेरी रजाई है, एंड इसके ऊपर मैं ऐसे ये लेयर्स करके सोती हूँ। ये वाले ना, ये जो आते हैं ना, सिर्फ 150 रुपीज के आते हैं, बहुत सही रहते हैं। इनको मैं ना बेड पे भी ऐसे बिछा लेती हूँ तो वार्म रहता है। तो ये मेरा रूम है, चेयर देखो, और कल मैं अपने लहंगे लेकर आई थी तो वो दोनों लहंगे पड़े हुए हैं। चेयर इसलिए इतनी गंदी है बिकॉज आधे कपड़े तो इसमें अलंकार के, इसकी स्टूपिड सी कैप, ये इसका मफलर, ये सब कुछ है। तो रूम थोड़ा भी इस साइड से अगर मैं किचन के एरिया से दिखाऊं तो ऐसा दिख रहा है। इस पूरे को मुझे क्लीन करना है इस रूम को। तो इधर से रूम ऐसे दिख रहा है। अलंकार के सॉक्स पहन रहा था, पहन ले, सॉक्स पहन रहा था, अपने सड़े हुए सॉक्स दिखा दे, जॉकी के सड़े हुए तो बिल्कुल ठीक है। और ये मेरी किचन है यार, ये बहुत साफ रहती थी बट ना गंदी हो रखी है, क्योंकि कल हमने काफी कुछ किया था, भेलपुड़ी वगैरह बनाई थी, हल्दीराम से ऑर्डर की थी, ये नींबू और प्याज भी उसी का पड़ा हुआ है। बर्तन सारे अलंकार इन मैं आज धुल के वॉश कर लेंगे, ऐसे अच्छा नहीं लगता हर बार बोलो अलंकार ये बर्तन धुल रहा है। तो दो दिन पहले चिकन भी बना था इधर, तो वो भी है, और हाँ फिर से चिकन बनेगा। यार शिट, अच्छा ऑर्डर तो कर दिया हमने। तो यार यही है, किचन भी गंदी पड़ी हुई है, रूम भी गंदा पड़ा हुआ है। तो कि अभी हम लोग ऑमलेट बनाएंगे, हम वो खाने के बाद चाय ऑमलेट थोड़ा खा लेते हैं, उसके बाद हमें थोड़ी एनर्जी आएगी, एंड फिर हम अपना रूम पूरा साफ करेंगे। यस यस, सो स्टे ट्यून, हमारा रूम फिर देखना आप कैसे हम साफ करते हैं। काया पलट हो जाएगा, काया पलट। यस, ये अलंकार प्याज काट रहा है ऑमलेट के लिए, एकदम फाइन चॉपिंग यार, इट्स बेस्ट। तो ये मेरा ब्रेकफास्ट बन चुका है, ये ऑमलेट अलंकार ने बनाई है, बहुत बड़ी थी इसलिए बीच में से टूट गई है। तो अभी मैं अपना ब्रेकफास्ट खाऊंगी, एंड अलंकार अपने लिए दूसरी ऑमलेट बना रहा है। तो हमने टोटल 8 अंडे डाल दिए थे, ये अराउंड 4 अंडे की ये है, एंड वो अपने लिए भी बना रहा है अभी ब्रेकफास्ट। ये मेरी ऑमलेट है, एंड वो अलंकार अपनी ऑमलेट ले आया है। थोड़ा इंडिया का मैप जैसा लग रहा है, ईस्टर्न मोस्ट एंड वेस्टर्न मोस्ट पार्ट दिख रहे हैं। आ जा ओए, ये अलंकार देवता आ चुके हैं। किचन की लाइट ऑफ करना भूल गया तू, कैसे मैनेज करा इंडिया का मैप बनाना यार, पूरा रन ऑफ कच्छ, गुजरात पूरा इस एरिया में है, वो सिलीगुड़ी कॉरिडोर, चिकन स्नैक। बैठ जा, अब हम लोग ये ऑमलेट खाएंगे, एंड उसके बाद जल्दी से रूम क्लीनिंग स्टार्ट करेंगे। कुछ बोलना चाहोगे क्या? वैसे बोलो मत, मेरी चाय ठंडी हो रही है, खा ले। Stay tuned. वैसलीन लगाता है अलंकार, हाँ होंठ फट जाते ना।
हाँ ये मजा आ रहा है। अभी हमने क्लीनिंग प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है। ये अलंका मेरा स्वेटर फोल्ड कर रहा है, सारे ब्लैंकेट्स यही फोल्ड करेगा। ब्लैंकेट्स फोल्ड कर लिए, तब तक मैं अपने बाहर वाला एरिया दिखाती हूँ कि हम कहाँ रहते हैं। तो फिर ये संत नगर है, ये हमारी बालकनी है, ये नीचे पूरा ऐसा रोड है एंड ये कबाड़ा रखा हुआ है। ये साइड यूज ही नहीं होती है। यहाँ जब भी हम बालकनी में इसलिए ज्यादा नहीं आते बिकॉज ना यहाँ से हमेशा सूवेज का स्मेल आता है इन पाइप्स के थ्रू। ये रहा अलंकार फ्रेम में एंड मैं पूरा एक एरिया दिखाती हूँ आपको। ये बालकनी है, थोड़े बहुत हमारे कपड़े सूख रहे हैं, इतनी बड़ी बालकनी। ये बिकॉज टाइल्स वाइट है ना तो बहुत जल्दी गंदा हो जाता है, इसलिए वहां पे ऐसे डर्ट है डर्ट है वहां पे। एंड एक दो दिन में भैया आते हैं साफ करने, तो कॉरिडोर वगैरह वही साफ करते हैं। ये मेरा कॉरिडोर है, ये गार्बेज है जो कि वो कूड़े वाला डेली तो नहीं आता है उठाने, तो वो भर जाता है ऐसे। हाँ, इस गार्बेज में अभी हमने जो ऑमलेट खाई है उसके अंडे, TGL के टी बैग्स और ये सब कुछ पड़ा हुआ है कबाड़ा। इलेक्ट्रिसिटी मीटर्स है, यहाँ पे कैमरा भी रहता है हमेशा, ये एक अच्छी बात है। एंड ये इस साइड से ऐसे है ये बालकनी। तो ये वाला जो रूम खुला हुआ है ये मेरा रूम है एंड ये जो मिडिल रूम लॉक्ड है ये अलंकार का रूम है। हेरा मेरा रूम। तो ये मेरा रूम है, ठीक है। एंड वो वॉशरूम है, वो भी मैं बाद में ओपन करके दिखाऊंगी। ये मेरा किचन का एरिया है और ये मेरा बेड है जो कि बहुत ही अच्छे से सजा गया है। एंड ये गद्दा मैं घर से लेकर आई थी एंड ये पहले से ही था यहाँ पे। काफी कलरफुल चादर है इधर। ये किचन है, ये भी मैं बाद में अच्छे से दिखाऊंगी। हाँ, अभी वो दिखाने के हालत में नहीं है अभी नहीं, दिखाने की हालत में है, इतनी भी गंदी नहीं है। अच्छा, बट अच्छे से क्लीन कर लेंगे उससे। yeah. तो मेरा रूम मोस्टली क्लीन रहता है, बट क्या होता है कि जब वीकडेज के मिडिल आता है तो फिर हमारा रूम गंदा होना स्टार्ट हो जाता है बिकॉज वो संडे को क्लीन हो जाता है एंड मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे गंदा हो जाता है, फिर हम उसे बाद में और अच्छे से क्लीन करते हैं लाइक ओवर द वीकेंड। तो हाँ, यही अभी तो फिर मैं क्लीन करूंगी। अलंकार ने ब्लैंकेट्स लगा दिए, अब मैं सोच रही हूँ कि मेरे लहंगे पड़े हुए हैं इनको तो मेरा सूटकेस अलंकार के रूम में उसमें डाल के मैं ये बेड बॉक्स में लहंगे डाल दूं। अलंकार का रूम खुल रहा है, गंदा संदा सा रूम शर्मा क्या रहा है, ये दिखाने की क्या जरूरत है। ठीक है, ज्यादा नहीं दिखा रही, इसका रूम बेचारे का बहुत गंदा रहता है, मैं ज्यादा नहीं। ये सूटकेस आ रहा है, ये मेरी मम्मी ने मुझे दिया था सूटकेस, अब इसमें मेरे लहंगे जाएंगे एंड देन ये बेड बॉक्स में जाएंगे लहंगे। क्लीन है उसको, मैंने ड्राई क्लीन नहीं करवाया था, उसकी जरूरत नहीं थी। मैं बस एक लास्ट चीज चेक करना चाहती हूँ, यानी कल हमने लाजपत में जमीन वगैरह पे रखा था इसको। हाँ, थोड़ा बेड पे मुझे रखना नहीं है ये। या मैं बस एक चीज चेक करना चाहती हूँ उसमें कि मेरे लहंगे मैंने ओपन करके नहीं देखे, ड्राई क्लीनिंग को तो दिए थे, वो सब कुछ उसमें है ना, मतलब चुन्नी दुपट्टा ब्लाउज वगैरह, ये चेक करने के बाद मैं उसे और ये अलंकार इसी पॉलिथीन में रखना या फिर ऐसे ही रख दूं? नहीं ऐसे ही रख दो, पॉलिथीन नीचे घुसाना भी बहुत डिफिकल्ट होगा। हाँ हाँ, स्पेस की कमी होगी। हाँ, नीचे तो गंदी है। या लहंगे तो अच्छे से ड्राई क्लीन हुए हैं। हाँ, काफी अच्छा लग रहा है, कंप्लीटली न्यू लहंगा। या ओह, दे हैव पुट पेपर्स इन बिटवीन, दैट इज गुड। हाँ, अच्छे से किया है। काफी अच्छा लग रहा है। ऐसा चेक करूं कि सब, आई डोंट थिंक कुछ टूटा फूटा होगा, टूटा है भी तो मैं क्या ही कर सकती हूँ। कर लेना फिर भी एक बार। तो एक काम करती हूँ अलंकार, नीचे से कितनी मिट्टी मिट्टी लगी थी सब क्लीन तो हो गया। हाँ, अच्छा है ये। सूंघ के देखो क्या मन तो कर रहा है, थोड़ी सी मिट्टी देख अभी भी यहाँ पे है बट बहुत हल्की सी ही है। सूंघने से क्या फर्क देखना चाहती थी, पहली बार ड्राई क्लीन करवाया। हाँ,
ठीक है इसको मैं रखती हूँ उसमें, सिमिलरली ये वाला पैकेट भी मैं चेक कर लूंगी, तो इन लहंगों को मैं इसमें डालती हूँ। टेबल क्लीन कर ली है, वो लेफ्ट में मेरी मेडिसिंस हैं, वो मेरा स्पीकर है, ये प्लांट जो रखा हुआ है, यस आर्टिफिशियल प्लांट, ये मैंने दिल्ली हाथ से लिया था, टिश्यूज एंड देन बॉडी लोशन, इसमें से एक मेरा है, एक मेरा अलंकार ने ज्यादा खाली किया था, मैंने फिर अलंकार को बोला मैं तेरा यूज करूंगी, तो दो दो बॉडी लोशन है, ये पूरा मेरा ये मेकअप है, ये मैं इसलिए लेफ्ट साइड में रखती हूँ बिकॉज लेफ्ट साइड में मिरर भी है, तो मेरे लिए सुबह जब मैं ऑफिस जाती हूँ तो काफी ईजी पड़ता है अगर मैं यहीं से अपना जल्दी मेकअप कर लूं, तो ये सारी चीजें, कुछ इस टेबल से चीजें हटाई गई हैं जो मेरी नहीं थी, वो फिर भी मेरे रूम में रहती हैं, ये अलंकार की चीजें हैं, ये वापस जाएगा, इसका लैपटॉप, इसका मेयो, इसका मेयो एंड इसका हनी हमेशा मेरी टेबल मुझे दिखता है, मैं इतना इरिटेट होती हूँ, मुझसे बहुत बोला है बट ये फिर भी यहीं पर छोड़ जाता है अपना। इसमें मैंने ऊपर ये जो कपड़े हैं ये मैं बाहर पहनती हूँ यूजुअली जब मैं बाहर जाती हूँ, एंड ये मेरी जैकेट है, ये सारे कपड़े हैं, वो मेरा बैग है, ये यहाँ पे इसलिए बिकॉज इसके लिए मैं अभी तक स्पेस डिसाइड नहीं कर पाई हूँ कि मैं कैसे रखूँ, तो इसमें मेरी ज्वेलरी है जो मैंने अपनी बहन की शादी में पहनने के लिए ली थी, एंड इसमें मेरी एक साड़ी थी जो मैंने मीना बाजार से ली है, तो इस तरह से मेरा कवर है, नीचे थोड़ा और सामान है, ये वैसे अरेंज नहीं रहता, आज मैंने इसे हल्का सा और थोड़ा क्लीन कर लिया है, तो अभी हम बाकी का रूम फिर क्लीन करेंगे, ये टेबल अभी क्लीन हो गई है एंड ये बेड क्लीन हो गया है, अभी हम बाकी का रूम क्लीन करेंगे। तो ये हमारा पूरा रूम सेट हो चुका है, यस ये रहा हमारा रूम, टेबल एंड वो वाली बेड टेबल, यस उस पर हम कभी कभी बेड पे रख के ब्रेकफास्ट करते हैं, इस साइड से दिखा देती हूँ मैं, ओ अलंकार हम दोनों दिख रहे इधर आजा, हाँ उसे बंद कर दे बेबी, ये टेबल, ये अभी भी धूप है, हमारा प्लान है हम रूम तो क्लीन हो गया इसके बाद हम वॉक पे जाएंगे, ये अब हम किचन में चलते हैं, तो ये किचन है हमारी विच इज क्लीन एज अ विसल, यस ये सारे बर्तन हैं और ये रही हमारा, हाँ ये कुछ खाने पीने का सामान रखा हुआ है, ये हमारा छोटू सा फ्रिज है, ये हमारी गैस है जिसपे थोड़ा सा रस्ट है, ये मेरी गैस नहीं है, पहले से ही थी यहाँ पे जब मैं आई थी यहाँ पे शिफ्ट किया था, ये जैगरी अलंकार का फेवरेट फूड आइटम, हर चीज में डलता है, ये मुझे आकांक्षा ने दिया था, ये मग्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत ही अच्छी गिफ्ट थी, हाँ काफी अच्छी गिफ्ट तो थी, हाँ, और वो टोस्टर भी है जो प्रंकुश, हाँ ये टोस्टर प्रंकुश ने गिफ्ट किया था, मग्स आकांक्षा ने दिए थे, ये रही हमारी पूरी किचन, एंड अगर मैं इसको इस साइड टर्न करूं तो ये यहां से ऐसा व्यू आता है, यस ये रूम तो अच्छा है यार हमारा, है ना काफी अच्छा,
ठीक है, तो अभी इस ब्लॉग को फिर हम बाद में कंटिन्यू करेंगे। अभी हम सोच रहे हैं कि बहुत धूप आ रही है, तो मैं और अलंकार पार्क में जाने का सोच रहे हैं, वॉक कर लें हम थोड़ा, तो फिर हम वहां से ब्लॉग को कंटिन्यू करेंगे। या खत्म करते हैं। अभी मेरे और अलंकार की थोड़ी सी वॉक और रह गई है, हम 20-30 मिनट्स और वॉक करेंगे, तो यहीं पे इस व्लॉग को एंड करते हैं। एंड कल का टॉपिक भी मैं बता देती हूँ, कल मैं कवर करूंगी 5 signs दैट ही इज द वन। जरूरी नहीं है ही इज द वन, हर किसी के लिए, हाँ हर किसी के लिए अलग हो सकता है, लेकिन कल मैं बताऊंगी कि 5 कौन से ऐसे साइंस है जिससे आप डिटरमाइन कर सकते हैं कि ये बंदा मेरा लाइफ पार्टनर बनने के लिए सुटेबल है कि नहीं है। तो यस, स्टे ट्यून्ड। So have a lovely Sunday and see you tomorrow in the next vlog. Bye. Take care.